ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए जिला महिला चिकित्सालय में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को कुशल चिकित्सकों द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने प्रशिक्षण ले रहे 43 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों से अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं और प्रशिक्षण के बारे में जानकारी लिया। 6 महीने तक चलने वाले इस प्रशिक्षण के बाद सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित स्वास्थ्य जागरूकता केंद्र पर नियुक्त किया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को 11 कुशल काउंसलर प्रशिक्षित कर रहे हैं। जनपद गोरखपुर सहित देवरिया, बलिया, महाराजगंज, कुशीनगर, आगरा, लखनऊ, गाजीपुर और राजस्थान से 43 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रमुख अधीक्षक जिला महिला चिकित्सालय डॉक्टर दिनेश सोनकर, वरिष्ठ डॉक्टर मंजरी टंडन सहित अन्य डॉक्टर उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी ने कहा, सब सॉल्व कर देंगे, किसी तरह की कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही। लखनऊ से यहाँ पढ़े हैं, कोई बलिया से पढ़ा है, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। आप लोग नहीं, नर्सिंग है, GNM, तो हमारे ख्याल से 50% चीज़ें तो आप पहले से ही सब जानती हैं, प्रैक्टिकल आस्पेक्ट आप नहीं जानते हो। और आपको ऐसी जगह कोर्स किया जाएगा कम्युनिटी सर्विस के लिए, जहाँ के लोग बहुत कम स्वास्थ्य सुविधाएं पा रहे हैं, गरीबी बहुत कम है और हम दर्द भी बहुत कम कर पा रहे हैं। एक अच्छे सब सेंटर को डेवलप करके वहाँ आपको तैनात किया जाएगा और आपके अधीन LTV होगा, लैब टेक्नीशियंस होंगे, आपके अधीन अन्य लोग होंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर्स भी मिलेंगे, वहाँ कंप्यूटर भी लगेगा, ANMs होंगी, आशाएँ साथ में उनको ANM को कोऑपरेट करने के लिए होती हैं, वहाँ काम करना होगा। ये मन आप आज ही से बना, बहुत बढ़िया ऐसी जगह आपको कोर्स नहीं किया जा रहा है, किया जाएगा, जहाँ की बिल्कुल सारे सुख सुविधा साधन होगा और वहाँ आपको काम करना होगा। हम लोग जब शुरू में थे तो बहुत गांव में ऐसी सड़कों से जाते थे साइकिल से, और वहाँ हमारी PSC होती थी, फिर PSC से हम गाँव में घूमते थे, वैसे काम करते थे। उसी के लिए आपको तैयार होना है, सब युवा हैं और ये काम करेंगे। करना क्या है और किस तरह से करना है साइंटिफिक वे में, तो आपकी जो नॉलेज BSc की है, आपकी जो नॉलेज GNM ट्रेनिंग की है, उसमें एडिशनल नॉलेज और दी जाएगी, जिससे कि आप वहाँ हमारी नॉर्मल स्टाफ नर्स या नॉर्मल ANM से कहीं अच्छी साबित होंगी, चाहे वो कुशल चाहे, इसीलिए ट्रेनिंग दी जा रही है। बहुत अच्छे हमारे चिकित्सक हैं जो ट्रेनिंग देंगे आपको, आप उनसे क्वेश्चंस भी करिए, सवाल जवाब भी करिए, आप ये कैसे है, वो कैसे है, इनको सब अपना करना है, और उनके लिए ट्रेनिंग एंजॉय करें और सीखिए, और कोई समस्या आती है तो आप सबको बताइए, ऐसा ऐसे साथ है, ये एक ट्रेनिंग है जो GNMs हैं हमारी सेलेक्टेड हैं, अभी 43 का बैच है, पहला बैच है, जिनको 6 महीने की ब्रिज कोर्स कहते हैं, इसको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उस ट्रेनिंग के बाद इनकी तैनाती हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर्स जो बने हैं, भारत सरकार ने तय किया है, उन सेंटर्स पे इनकी तैनाती की जाएगी। ये नॉर्मल स्टाफ नर्सेज और ANM से कहीं अधिक जानकारी हासिल करके उन वहाँ तैनाती पाएंगी, और इनका पदनाम होगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। और जनता को बेहतर सुविधाएं, ख़ास करके वो वंचित क्षेत्र जहाँ पे कि अभी स्वास्थ्य सुविधाओं की बहुत अच्छी जानकारी या बहुत अच्छी हम सुविधाएं प्रदत्त नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ के लिए इनका चयन किया गया है। हमारे वहाँ गोला और एक ब्लॉक गघा, गोला और गघा में ऐसे 30 सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसको हेल्थ वेलनेस सेंटर के नाम से जाना जाएगा, उन पर इन CHOs की तैनाती होगी। इनकी ट्रेनिंग 2 तारीख से शुरू हो चुकी है और ये 6 महीने चलेगी। गघा और गोला में स्थापित करने के लिए सेंटर्स के 15 ट्रेंड CHOs हमें पहले से मिल चुकी हैं, जिनकी 8 की ट्रेनिंग यहाँ से हुई थी और 7 की ट्रेनिंग बस्ती से हो गई थी, तो वो हम स्टार्ट कर देंगे। जैसा कि आपको विदित होगा कि माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार 15 अगस्त को
इन सारे वेलनेस सेंटर का बटन दबा के दिल्ली से उद्घाटन करेंगे। तब तक हमारे ये 15 से 20 सेंटर्स चालू हो जाएंगे और निकट भविष्य में हमारे 300 हेल्थ वेलनेस सेंटर्स कार्यरत हो जाएंगे। उसी संबंध में ये ट्रेनिंग है, इसमें मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग बगल वाले उसमें हो रही है, वो ट्रेन होके इनको ट्रेनिंग देंगे और ये आवासीय ट्रेनिंग है, ये यहाँ रह के करेंगे। इसमें विभिन्न जनपदों के बच्चे हैं, शामिल हैं, कुशीनगर, अम्बेडकर नगर, लखनऊ, जयपुर और हमारे गोरखपुर, तमाम बलिया, इन जनपदों से लोग शामिल हैं और फिर इनकी तैनाती भी वहाँ पर की जाएगी।